तो दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जेके लाइफस्टाइल स्टार पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मशहूर वायरल वड़ा पाव वाली के बारे में, जो कि हाल ही में इंटरनेट के हर एक प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है। तो आखिर कौन है दिल्ली के वायरल वड़ा पाव वाली, और घंटों भर लोग क्यों करते हैं इंतजार, और वायरल होने का क्या है कारण, साथ ही जानेंगे इनकी निजी जीवन के बारे में। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी खुशी आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो करूँ। दोस्तों आप सभी के प्यार और दुलार से आपका ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है। इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रहें अपने इस छोटे भाई के साथ, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट में आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि मुझे भी तो पता चले मुझे प्यार और सपोर्ट करने वाले कहां कहां से हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सोशल मीडिया पर आए दिन किसी न किसी का वीडियो तो वायरल होती ही रहती है। ऐसे में आजकल एक वड़ा पाव बेचने वाली महिला दिल्ली वड़ा पाव गर्ल की वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें ये रोते हुए वड़ा पाव बेचते हुए नजर आ रही है। वीडियो में ये रोकर अपनी बात कहती नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में ये महिला अपनी पति के साथ वड़ा पाव बेचती है। ये इस वक्त इतनी वायरल हो गई है कि लोग इनके ठेले पर लंबी लाइन लगा रहे हैं। लोग वड़ा पाव खरीदने के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में मुंबई के स्वाद वाला वड़ा पाव बेच रही एक महिला काफ़ी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म देखिए, इसी के वीडियो दिखाई दे रहे हैं। किसी वीडियो में रोती हुई नजर आती है तो किसी वीडियो में अपनी कहानी बताती हुई दिख रही है। ये महिला अपने पति के साथ इस दुकान को चलाती है। कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि इनके वायरल होने के बाद ठेले पर लंबी लाइन लगी हुई है। एक साथ कई कई लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग वड़ा पाव खाने के लिए घंटों तक इंतजार भी कर रहे हैं। इस महिला ने अपना नाम चंद्रिका गेरा दीक्षित बताई है, और साथ ही यह भी बताई कि ये पहले हल्दीराम में काम करती थी। इनका कहना है कि बेटे की सेहत ठीक नहीं थी, जिसके कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। पति पत्नी दोनों ने नौकरी छोड़कर वड़ा पाव का स्टॉल लगा लिया। ये कहती है कि खाना बनाना इनका शौक था, इसी शौक को इन्होंने बिजनेस में तब्दील कर दी। और कहती है दिल्ली में अधिकतर लोग वड़ा पाव के नाम पर टिक्की बनाकर खिला देते हैं, लेकिन ये मुंबई स्टॉल में इसे बनाती है। चंद्रिका का कहना है कि वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है, और दिल्ली में लोगों को मुंबई का स्वाद दे रही है। इनके वीडियो बीते कुछ दिनों से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वे रोती हुई नजर आती हैं। कहती है कि इनके स्टॉल को हटवाने की कोशिश हो रही है, जबकि एक और वीडियो में ये लोगों की भीड़ से परेशान हो जाती है। इतने ज्यादा लोग वड़ा पाव खरीदने आते हैं कि सड़क ही जाम हो जाती है। ये खुद कहती है कि लोग घंटों लाइन में लगकर इनके वड़ा पाव खरीदने आते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर इनकी जगह कोई पुरुष होता तो ठेले पर इतनी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती। तो आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।